हाँ जी बच्चों, समीम अली ने एक क्वेश्चन पूछा था रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड। ज़रा देखते हैं वो कैसे होना है। क्वेश्चन 11, सेट ए का क्वेश्चन है ये। राम और रवि 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2018 को फर्म का स्थिति विवरण इस प्रकार था। उत्तरदायित्व और संपत्तियाँ। पूंजी है राम और रवि की 30,000 रुपये और रवि की है 20,000 रुपये, तो टोटल आया 50,000 रुपये। लेनदार 15,000 रुपये। बैंक अधिविकर्ष 42,500 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपये। स्टॉक 30,000 रुपये। देनदार 20,000 रुपये। प्राप्य विपत्र 10,000 रुपये। बैंक शेष 7,500 रुपये। मोहन को 3/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया। वह 40,000 रुपये पूंजी के रूप में व 4,000 रुपये ख्याति के प्रीमियम के रूप में लाया। दोनों ही चीजें कैसे लाया है, वो कैश में। राम व रवि प्लांट व मशीनरी का मूल्य 10% बढ़ाने तथा देनदारों पर 5% की दर से आयोजन बनाने पर सहमत हुए। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और वर्ष और फर्म का नया चिट्ठा विवरण तैयार कीजिए। हाँ जी, तो देखिए जरा ऊपर से एक एक चीजें लेते हुए चलेंगे। वो कह रहा है पांच, रवि और राम और रवि का अनुपात है 5:3। उसके बाद कह रहा है कि उनकी पूंजी है राम की 30,000, 20,000 और मोहन की भी आ जाएगी नई बैलेंस शीट में। जो नई बैलेंस शीट है 2018 की, उसमें किसका नाम और आ जाएगा, मोहन का भी। देखें जरा, कैपिटल राम की, राम की कैपिटल, उसके बाद रवि की कैपिटल आएगी, उसके बाद मोहन की कैपिटल आएगी। ये चीजें आएंगी नई बैलेंस शीट में। राम की भी आएगी कैपिटल, रवि की भी आएगी, और जो नया पार्टनर है मोहन, उसकी भी कैपिटल नई बैलेंस शीट में आएगी। उसके बाद पूंजी लिख दी क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स के बारे में कोई बात कह रहा है, नहीं कह रहा, तो क्रेडिटर्स मैं लिख दूंगा। क्रेडिटर्स भी मैंने लाइबिलिटी साइड में लिख दिए। क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, तो मैं 15,000 रुपये इसमें लिख दूंगा। उसके बाद देखें बैंक ओडी, बैंक ओडी, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओडी। अब एक बात ध्यान से देखें, बैंक भी आ रहा है और बैंक ओडी भी आ रहा है, तो बैंक ओडी इतना ही रखूंगा मैं 42,500। सर ये कैसे हुआ, बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक ओडी कितना 42,500 और बैंक शेष भी आ रहा है 7,500 रुपये। अब जब नया पार्टनर दो चीजें लेके आ रहा है कैश में, तो मैं बैंक का बैलेंस बढ़ा दूंगा और बैंक अधिविकर्ष को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो इसको मैं 42,500 रुपये ही लिख दूंगा। हाँ जी, संपत्ति प्लांट एंड मशीनरी 10% से बढ़ गई, बढ़ानी है, तो यहां पे लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 10% से बढ़ानी है, बढ़ाओ कितने, कितना दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 40,000, तो 40,000 से बढ़ गई प्लांट एंड मशीनरी, तो वैल्यू कितनी होगी उसकी 44,000। और इसे मैं कहां लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए, 4,000 रुपए। उसके बाद आगे देखें स्टॉक, स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं कह रहा, तो स्टॉक में बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऐसी लिख दूंगा
स्टॉक्स, कितने रुपए? 30,000 रुपए। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है डेटर्स, डेटर्स 20,000 रुपये। नीचे कह रहा है आयोजन बनाना है 5% का, तो डेटर्स लिखूंगा। हाँ जी, तो डेटर्स हैं मेरे 20,000 के, और 5% यानी 1,000 रुपये कम करके मैं डेटर्स कितने लिखूंगा? 19,000 रुपये। 1,000 का प्रोविजन बन गया, तो मेरे डेटर्स कितने हो गए? 19,000 के। तो ये मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिखूंगा, क्योंकि लॉस है, प्रोविजन है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने? 1,000, 1,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है बीपी, प्राप्य विपत्र, बैलेंस शीट का आइटम है। सॉरी, बीपी नहीं, बीआर, बीआर, बीआर हैं तुम्हारे 10,000 रुपए के। उसके बाद कह रहा है बैंक शेष, अभी ये बैंक का बैलेंस मैं अंदर ही लिखूंगा, बैंक बैलेंस। ये मैंने बैलेंस शीट के आइटम कहीं ना कहीं उतार दिए। हाँ जी, अब क्या कह रहा है ये, मोहन को 3/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया, वह 40,000 रुपये पूंजी के रूप में लाया और 4,000 रुपये ख्याति के प्रीमियम के रूप में लाया। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखूंगा मैं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। राम की बैलेंस कितना है? 30,000 रुपये। रवि का कितना है? 20,000 रुपये। और मोहन तो अभी आया ही नहीं, बैलेंस तो इसका ऐसी रहेगा। मोहन तो आया नहीं, निल लिखा जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब मोहन कुछ पैसे लेके आया बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पड़ा हुआ है पैसा पहले से, तो बैंक के ही नाम से हम सारी एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे बाई बैंक अकाउंट। अब बैंक में कितना लाया? कैपिटल के रूप में 4,000 रुपये। तो ये चार नहीं, 40,000 रुपये। हाँ जी, और क्या चीज लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 4,000 रुपये। तो भाई किस नाम से आएगा, किसको मिलेगी पहले बताओ, किस नाम से आएगा? एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर राम और रवि। तो यहां पर क्या नाम आएगा? भाई प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी, किस किस को मिलेगी वे प्रीमियम फॉर गुडविल? ओल्ड पार्टनर को किस रेशो में, किस रेशो में मिलेगी? सेक्रीफाइस रेशो में। बच्चे ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में पहले से कोई भी रेशो नहीं दे रखा, अगर क्वेश्चन में पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नया नहीं दे रखा, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ठीक है,
तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 4,000 रुपये ये लेके आ रहा है, तो 4,000 में ये कितना ले जाएगा अपने हिस्से का? राम, रेशो क्या है? 5:3, तो 5/8। और वो कितना लेगा? रवि, 4,000 का 3/8, 2,500। 2,500 तो इसका आया, और इसका कितना है? 8×5=40, 500, 5×3=1,500, तो 2,500 और 1,500 ये लिखूंगा मैं। 2,500 कौन ले जाएगा? राम। और 1,500 कौन लेगा? रवि। हाँ जी, आगे देखें। ये राम व रवि प्लांट व मशीनरी का मूल्य 10% बढ़ाने पर के लिए तैयार हो गए, ये हमने कर लिया। देनदार पर भी हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे? बैलेंस निकाल देंगे। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी 4,000 का प्रॉफिट, 1,000 का नुकसान, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया? 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3,000 रुपये। इसका सम लगा लो। चार हजार चार हजार 3,000 का अभी मुझे प्रॉफिट और लिखना है, तो यहां पे लिखूंगा बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। हाँ जी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मैं कितना कितना लिखूंगा? 3,000 का प्रॉफिट है, तो 3,000 का प्रॉफिट गुणा 5/8, 1,875 रुपये, और 3,000 के प्रॉफिट में से ये कम करूंगा तो 1,125 रुपये। हाँ जी, तो ये चीजें आई निकल के, इसका टोटल करो। तो यहां लिखूंगा टू बैलेंस CD कैरी डाउन। राम 34,375, 34,375 और 22,625, 40,000 रुपये। हाँ जी, टोटल तो टैली ये होना है। हाँ जी, तो राम की कैपिटल कितनी आई? 34,375 रुपये, 34,375। रवि की आई 22,625, 22,625, और इसकी आई 40,000 रुपये।
टोटल टैली हो जाना चाहिए 1,54,500। बैंक को और क्लियर करो, यहाँ पर बैंक पहले से था 7,500 रुपये, वो कितने लेके आया 40,000 और 44,000। 40,000 किस चीज के, कैपिटल के, और 44,000 रुपये किस चीज के लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो 44,000 और 7,500 ये आया 51,500 रुपये। अब ये देखते हैं टैली हो रहा है नहीं हो रहा। एक लाख चौवन हजार पांच सौ एक लाख चौवन हजार पांच सौ हाँ जी बच्चों, इस हिसाब से ये क्वेश्चन होना था। और कोई क्वेश्चन हो जो सॉल्व करवाना हो करवा सकते हैं। धन्यवाद।